हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। इधर विज के जनता दरबार में एसपी को फटकार भी लगाई गई है। जनता दरबार में दुष्कर्म पीड़िता पहुंची थी, जिसने न्याय की, इंसाफ की गुहार लगाई और कई महीने बीत जाने के बाद भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। इस पर गृहमंत्री अनिल विज ने एसपी को फोन करके जांच के आदेश दिए। जांच में देरी होने पर सवाल भी उठाए हैं। तो देखिए, अनिल विज का ये जनता दरबार था और इस दौरान जब एक रेप विक्टिम वहां पर पहुंची तो खुद गृहमंत्री अनिल विज ने एसपी को फोन किया और तुरंत ही इस जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ उन्होंने जांच में देरी क्यों हो रही है इस पर सवाल किया और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश यहां पर दिए गए। तो हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का यह जनता दरबार लगा, जिसमें एसपी को फटकार लगाई गई और इसके पीछे वजह यह थी कि इस जनता दरबार में दुष्कर्म पीड़िता पहुंची थी, जिसने ये बताया कि कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। रेप के आरोपी जो हैं वो अब तक बाहर घूम रही है। महिला है, इनका मुकदमा नंबर है 007। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 1 फरवरी का दर्ज है। नहीं देखना नहीं है उससे, पूछो भी क्यों इतने टाइम क्यों लगाया, क्यों नहीं कर रही है, और आपने करके मेरे को बताना है, कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। ये इतने इतने महीने रहने देंगे पेंडिंग केसेस तो कैसे चलेगी? एसपी साहब आप करिए ना कुछ इसको। हाँ,